एक खरोच पर मेरी वो नई साड़ी की आंचल फाड़ लेती है। एक खरोच पर मेरी वो नई साड़ी की आंचल फाड़ लेती है, मुझे परेशान देख मां रात मंदिर में गुजार लेती है। खुद के सपनों से ज्यादा वो मेरे सपनों के लिए जीती है। खुद के सपनों से ज्यादा वो मेरे सपनों के लिए जीती है। ख्वाहिश होती है मेरी मां मन्नत का धागा बांध आती है। मां मन्नत का धागा बांध आती है। अब मैं चार मिसरे और पढ़ती हूँ और आपसे जुड़ने की कोशिश करती हूँ। सबके जीवन में प्यार के अलग अलग मायने होते हैं, मेरे जीवन में भी प्यार के जो मायने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये कुछ साल महीनों वाला जुनू पुराना हो जाए, ये कुछ साल महीनों वाला जुनू पुराना हो जाए, कल होने से अच्छा है अभी बेगाना हो जाए। ये कुछ साल महीनों वाला जुनू पुराना हो जाए, कल होने से अच्छा है अभी बेगाना हो जाए। ख्वाहिश है बस मेरी मांग सितारों से भरे साजन, ख्वाहिश है बस मेरी मांग सितारों से भरे साजन। उसकी जोगन हो जाऊं वो मेरा दीवाना हो जाए, उसकी जोगन हो जाऊं वो मेरा दीवाना हो जाए। और चार मिसरे पढ़ती हूँ और आपसे जुड़ने की कोशिश करती हूँ। अपनी आबरू खुद के हाथ में है, ये लड़कियों के लिए है। अपनी आबरू खुद के हाथ में है, किसी पर एतबार मत करना, पिता पति सास ससुर किसी को खुद का जागीरदार मत करना। सुनो आज की लड़कियों निर्भर बन तुम अपनी रक्षा स्वयं करो, सुनो आज की लड़कियों निर्भर बन तुम अपनी रक्षा स्वयं करो। दांव पर लगा दे तुम्हें कोई, किसी को तुम इतना हकदार मत करना, किसी को तुम इतना हकदार मत करना। और अब पढ़ती हूँ मैं। सबके जीवन में अपने जिंदगी जीने के कुछ कुछ उसूल होते हैं, मेरे भी हैं, तो मैं उस पर कुछ लाइनों का गजल पढ़ती हूँ। हारू तो हार जाओ इस बात का कोई गम नहीं, हारू तो हार जाओ इस बात का कोई गम नहीं, बोलू कुछ करूँ कुछ इस सियासत के हम नहीं। बात सारी इजहार पर अटकी है तो अटकी रहे, बात सारी जो इजहार पर अटकी है तो अटकी रहे, नखरे उनके बहुत हैं तो हम भी उनसे कम नहीं। चोट खानी पड़ेगी आग में जलना भी पड़ेगा, चोट खानी पड़ेगी आग में जलना भी पड़ेगा, जो मंजिल तक पहुंचना है तो अब खुद पर रहम नहीं, तो अब खुद पर रहम नहीं। और चार लाइन पढ़ती हूँ कि रूह की बात हो रूह से इतना कहाँ कोई इंतजार करता है, रूह की बात रूह से हो इतना कहाँ कोई इंतजार करता है, जिस्म से शुरू जिस पर खत्म भला ये भी प्यार होता है। मुझसे मोहब्बत का दावा करने वाले पहले मुझ तक पहुंचे, मुझसे मोहब्बत का दावा करने वाले पहले मुझ तक पहुंचे, वरना वो जिसे मोहब्बत कहते हैं उसके लिए बाजार होता है, उसके लिए बाजार होता है। और मैं एक नज्म भी पढ़ती हूँ, ये भी है। जैसे लड़कियों के साथ बहुत बुरा बुरा जब हो जाता है तो लोग उस पर लिखते हैं, उनका दर्द बयां करते हैं, बट मैं ये लिखना चाहती हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। पहली बार उसने उतारी उसकी इज्जत, पहली बार उसने उतारी उसकी इज्जत, दूसरी बार हम कलम से उतार रहे हैं तो कई बार ये समाज, तो बार बार वो कोर्टरूम में काले कपड़े पहने वो वकील। क्या हर बार उसकी इज्जत ही उतरती रहेगी या कोई खड़ा भी होगा उसकी मान बचाने, क्या हर बार उसकी इज्जत उतरती रहेगी या कोई खड़ा भी होगा उसकी मान बचाने। खून से लथपथ पड़ी थी वो, बड़े देर तक हिम्मत से लड़ी थी वो, बार बार इस बर्बरता को बयान ना करो, उसका रूह भी कांप जाता इस मंजर को याद ना करो। बस सूली पर चढ़ा दो, बस सूली पर चढ़ा दो, दो ऐसी सजा कि फिर ऐसा करने की कोई हिमाकत ना करे, करना ही है तो कुछ ऐसा करो कि बौखलाई सी उसकी आत्मा शांत हो जाए, फिर बेटी बनकर पैदा होने की उसके उसमें हिम्मत आ जाए, फिर बेटी बनकर पैदा होने की उसमें हिम्मत आ जाए। अब दो लाइनें पढ़ूंगी और अपनी जगह लूंगी। जैसे हम लोग जिस समय में है 21st सेंचुरी, हम लोग अब बहुत कूल बनते हैं, हम लोग दूसरों की कहाँ सुनते हैं, अपने मन की सुनते हैं। लेकिन एक जमाना और था, उस पर पढ़ती हूँ कि बाप होकर भी बाप से पिटता था, बाप होकर भी बाप से पिटता था, वो जमाना और था जो अपने माँ बाप की सुनता था। धन्यवाद।